बाड़मेर जिले के मोसेरी गांव निवासी गोपाल सिंह पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ बाड़मेर शहर के इंदिरा नगर में रहते थे। आज सवेरे वह अपने दुकान बाड़मेर के सदर थाने के पास शिवनगर रोड पर स्थित दुकान पर गए थे। इस दरमियान थोड़ी ही देर बाद यानी करीब 12 बजे के बाद वो अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। दुकान से जैसे ही बाहर निकले तो शॉर्ट सर्किट के कारण उन्हें करंट लग गया। करंट लगने के बाद आसपास के लोग उन्हें तुरंत प्रभाव से बाड़मेर के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोग उन्हें बाड़मेर के जिला अस्पताल लाए और पुलिस को इत्तला दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह की वर्ष 2014 में शादी हुई थी और उनके दो बेटे मासूम बेटे हैं। आज करंट लगने से गोपाल सिंह की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है एवं शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। आपको बता दें कि कल भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें एक 17 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई थी। ऐसे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारी अपील है कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं या गुजर रहे हैं तो बिजली के तारों का विशेष रूप से ध्यान रखें, या कोई काम कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक अपना काम करें ताकि इस प्रकार की घटना किसी अन्य लोगों के साथ ना घटे। फिलहाल गोपाल सिंह का शव बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के कोतवाली थाना अधिकारी उगमराज सोनी का क्या कहना है ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस घटना की जानकारी जैसे ही मिली तो उनके पूरे परिवार में, आसपास के लोगों में और समाज के लोगों में शोक की लहर छा गई है। अब मैं आपको सुनाता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बाड़मेर के कोतवाली थाना अधिकारी उगमराज सोनी ने क्या कहा। क्या हादसा हुआ था और क्या सोचना था? आज दिन के समय गोपाल सिंह उत्तम सिंह यहाँ दुकान है इसकी, कॉटन रोड उसकी खुद की दुकान है वेल्डिंग की, तो करंट लग गया था। कितने बजे घटना है सर, क्या रिपोर्ट दी? 2 घंटे पहले की है। पता है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है? हाँ पता है। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? क्या करूँ, तैयारी को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हूँ। कहाँ जाऊँ, कौन सी कोचिंग में एडमिशन लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, टीचिंग एग्जाम्स के क्षेत्र में राजस्थान के सबसे अच्छे कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करो और घर बैठे बेस्ट टीचर्स के मार्गदर्शन में तैयारी करो। ठीक है, अभी ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ। रीड या सेकंड ग्रेड या फिर हो स्कूल व्याख्याता की तैयारी की बात। शुरू करें सक्सेस का सफर सक्सेस पॉइंट के साथ।